हेलो गाइस, इन आवर टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ आवर टेंसेस व्हिच इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिस एन अपडेट। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनिट और इसके साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के हर टाइप के सेंटेंसेस और रूल्स और उनके एग्जांपल्स किए हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हैं, वो उन वीडियोस में जो है जाके ज़रूर एक बारी व्यू करें, उन्हें एक बारी ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे आपके जो है टेंसेस में काफ़ी सुधार आ सकता है, काफ़ी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एंड व्हाट वुड यू यूज़ इन योर डेली लाइफ जो आप बात करते हो उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। तो उसमें सबसे पहले आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जो चीज़ प्रेजेंट में ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, अगर आप बोलते हो गई तो वो पास्ट इनडेफिनिट होगा। अगर आप किसी चीज़ को बोलते हो गई है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दोनों में ये डिफरेंस ज़रूर याद रखना कि अगर हो गई तो वो पास्ट इनडेफिनिट, अगर वो कहते हैं हम लोग कि हो गई है तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। द वर्क विच हैज़ ऑलरेडी डन, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें भी पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में क्या रूल लगना है, जैसे सबसे पहले लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपके लगेंगे हेल्पिंग वर्ब में हैज़ और हैव। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यू वुड यूज़ हैज़, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज़ करोगे। प्लस हमेशा परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद अब आपका आया है कि ये कब लगना है, जो वो मैंने बता दिया कि कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं। अगर कोई काम है, अगर वो कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं एंड में, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसे अब हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे, साथ साथ में हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। जैसे हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, किसान फसलें काट चुका है। तो किसान है, एक सिंगल बंदा है, तो वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है द फार्मर, तो उसके साथ किसका यूज़ होएगा, हैज़ का यूज़ होएगा। क्यों, क्योंकि सिंगुलर के साथ जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब इसका हैज़ यूज़ होएगा, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा वो हैव का यूज़ करेगा। प्लस अब काट चुका है, तो काटने की जो फसलें काटने की इंग्लिश होती है, एक कहावत भी है ना, एज़ यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जो आप बोगे वही पाओगे, जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे फल। तो वो उस फसलों को काटने की इंग्लिश होती है रीप। तो रीप की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, रीप, रीप्ड, रीप्ड, तो ये रीप्ड लग गया। तो किसको काट चुका है, एडिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, फसलें, द क्रॉप्स, द फार्मर हैज़ रीप्ड द क्रॉप्स। तो ये क्या होगी हमारी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। अब इसके साथ अब एक प्लूरल वाला भी पॉजिटिव में कर लो, मैंने पत्र डाक में डाल दिया है, आई वी दे, ये सब क्या है, जब द चिल्ड्रन या कुछ ऐसे प्लूरल नाउन, द प्लेयर्स, जब वो प्लूरल हो मतलब नंबर्स में ज़्यादा हो तब आपका हैव का यूज़ होता है। आइज चाहे एक सिंगुलर मतलब एक सिंगल बंदा है, एक सिंगल पर्सन है, लेकिन आई जो होता है हमेशा इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है। ये बात याद रखना, आई हमेशा प्लूरल माना जाएगा, लेकिन पास्ट सेंटेंसेस में इस पे प्लूरल वाला नहीं सिंगुलर वाला यूज़ होगा, जैसे आई वॉज। ठीक है, आई के साथ कभी वर नहीं आता, तो आई के साथ हमेशा हैव ही आना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है, तो मैंने पत्र डाक में डाल दिया है, मैंने की इंग्लिश होगी आई, उसके बाद पत्र डाक में डाल दिया है, आई हो गया, अब सब्जेक्ट लग गया, अब सब्जेक्ट है प्लूरल, तो हैज़ हमें से क्या लगेगा, हैव, हैव लग गया। प्लस
अब डाक में डाल दिया है, तो डाक में डालने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोस्ट करना। ठीक है, पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड, तो पोस्टेड लग गया, आई हैव पोस्टेड। और एडिशनल ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पत्र, पत्र यानी कि द लेटर, आई हैव पोस्टेड द लेटर। तो ये हो गया हमारा प्लूरल वाले सेंटेंसेस। अब नेगेटिव वाले में भी देखो, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, वही सब्जेक्ट लगेगा, वही हैज़ और हैव लगेंगे। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हैज़ लगा लगेगा, जब प्लूरल होगा हैव लगेगा। प्लस हैज़ और हैव के साथ एक चीज़ ऐड होगी नेगेटिव को प्रेजेंट करने के लिए, दैट इज़ नॉट। आई जैसे सब्जेक्ट, फिर हैज़, फिर हैज़ और हैव में से वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला रूल हुआ। अब इसमें अपना एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले एग्जाम्पल है आपका, अमर ने आपकी सलाह नहीं मानी है। अमर एक है, सिंगुलर पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो अमर का अमर ही आ गया। सिंगुलर है तो हैज़ लग गया, प्लूरल होता तो हैव लग जाता, लेकिन अमर एक सिंगुलर पर्सन है तो हैज़ लग गया। अब नेगेटिव है, नहीं मानी है, तो नॉट लगना है, अमर हैज़ नॉट। अब सलाह नहीं मानना यानी कि उस सलाह पर नहीं चला, उस सलाह पर काम नहीं किया गया। एक्टेड, एक्टेड क्यों लगा, क्योंकि एडवाइस पे एक्ट करा जाता है, काम करा जाता है, और काम करने को उस चीज़ पे, इसके लिए एक प्रॉपर वर्ड एक्ट यूज़ होता है, और एक्ट की थर्ड फॉर्म लगनी है, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, तो एक्टेड लग गया, अमर हैज़ नॉट एक्टेड। अब उसके बाद किसको नहीं मानना, एडवाइस को, किसकी एडवाइस को नहीं मानना, आपकी एडवाइस को, योर एडवाइस, और उसने काम नहीं करा है, किसकी उस पे काम नहीं करा है, उसकी, तो अमर हैज़ नॉट एक्टेड अपॉन योर एडवाइस। अपॉन जो है एक प्रेपोजिशन है, ये ऑन होता है, जो ऑन होता है और अपॉन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत जल्दी इस पे भी वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। अभी आप ये समझो कि अमर लगना है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लस हैज़ या हैव में से हैज़ लग गया क्योंकि सिंगुलर है, प्लस नॉट तो लगना ही लगना है, प्लस एक्टेड क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्ट, 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 एक्टेड, एक्टेड, तो वो क्या लगेगा, एक्टेड लग गया, प्लस ऑब्जेक्ट का है आपका अपॉन योर एडवाइस। ठीक है, अब ऐसे ही एक प्लूरल वाला भी कर लो। जैसे मैंने पत्र डाक में नहीं डाला है, मैंने हो गया इंग्लिश आई। ठीक है, पत्र डाक में नहीं डाला है, अब सब्जेक्ट लग गया आई, आई कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हैव लग गया, प्लस नॉट लग गया क्योंकि ना नहीं डाला है ना, तो नॉट लग गया। और पत्र डाक में डालने की इंग्लिश क्या होती है, पोस्ट करना, तो पोस्ट की थर्ड फॉर्म पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड, तो आई हैव नॉट पोस्टेड। अब क्या नहीं पोस्ट करा, लेटर, द लेटर, आई हैव नॉट पोस्टेड द लेटर। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव वाले सेंटेंस, जो काम ऑलरेडी नहीं हुआ है। ठीक है, जो किसी ने किया नहीं है, किए नहीं है, की नहीं है कोई चीज़, तो वो उस वक्त ये लगेंगे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस लगेंगे। तो चलिए गाइज, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी आपके लिए इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ जाएंगे, तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।